घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? चैलेंजिंग, किन किन फिल्मों में पॉजिटिव किरदारों को मिली है वाहवाही, सीरियस या कॉमिक, कैसे रोल्स में माहिर है फहाद फासिल, जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों हमने पिछली एक वीडियो में साउथ के बड़े एक्टर फहाद फासिल के बारे में बात करते हुए बताया था कि कैसे आज वो नेगेटिव किरदार निभाकर भी लोगों के बीच से प्रचलित हैं और लोग आए दिन उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेकरार रहते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि फहाद एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्होंने नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव और यहाँ तक कि कॉमिक रोल्स भी निभाए हैं। आइए आज उनके इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। तो दोस्तों फहाद ने कहा था कि जब कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता तो उनके किरदार भी क्यों परफेक्ट रहे, और फहाद इस बात को इतना सीरियसली लेते हैं कि उनके तो पॉजिटिव किरदार भी परफेक्ट नहीं होते। I mean, फिल्म के सोलोम को खुद के लिए स्टैंड लेने में दिक्कत होती है, जो कि अपने ही पिता का खून कर देता है और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने नाम कराने में लग जाता है। और इंडियन का आयमान लोकल पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाने में इस कदर तक फेल हो जाता है कि वो अपना बाकी का करियर भी नहीं संभाल पाता। वो भले ही सिनेमा का कोई जीनियस हीरो साबित ना हो पाया हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो फहाद के करियर के लिए वो एक बड़ा माइलस्टोन था। सिद्धार्थन का किरदार आपको 80s के मोहनलाल और उनके किरदारों की याद दिला देता है, जो भले ही थोड़ा परेशान और दिक्कतों से भरा है, लेकिन आखिर में उसके होने का कोई मतलब है। अपनी जिस सीरी हीरो इमेज को लेकर फहाद इंडस्ट्री में आए थे, उसे बेहतर के लिए तोड़ने और एक नई इमेज बनाने में वो सफल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी कॉमेडीज की एबिलिटी को भी दिखाया है और उससे काफी दिल जीते हैं। उनकी कॉमिक फिल्मों की लिस्ट में महिषिंते, प्रतिकरम, थोंडी मुथलुम, दृक्ष्यशुम, निजान प्रक्षणन शामिल हैं। कुंबालगी नाइट्स जैसी फिल्म में एक विलेन के किरदार में भी वो अपने ह्यूमर से जान डाल देते हैं। हम बेशक ही उनकी चाह में रहेंगे कि उन्होंने कैसे शम्मी का किरदार निभाया था, फिल्म के क्लाइमेक्स में भी वो आपको बांधे रखने का दम रखते हैं। उनके करियर ग्राफ को देखते हुए एक बात तो साफ है कि फहाद ने हमेशा ही करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा देने वाली फिल्मों से ज्यादा ऐसी फिल्मों को चुना है जहां वो अपनी क्रिएटिविटी को चैलेंज कर सके। ऐसा ही चैलेंजिंग किरदार वो अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा में निभाने वाले हैं, जिसमें वो एक विलेन के रोल में होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि विलेन के रोल में क्या चैलेंजिंग है, तो ये तो आपको फिल्म देखकर ही समझ आएगा इसके लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं ऋचा गर्ग। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।